ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। रात का समय, रात बीत चुकी, पश्चिम रात आई और एक आदमी ने सपना देखना शुरू किया। सपना देखा कि एक अप्सरा आई है और वह मुझे आकाश में उड़ा कर ले जा रही। तो उस आदमी ने पूछा कि तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? अप्सरा बोली, सपना तुम देख रहे हो, मैं देख रही। लगता है कि दुनिया एक सपने की सी बात है और इस सपने को हम समझ लें तो कुछ यथार्थ की भूमि पर आए, यथार्थ की खोज करें और इस जीवन को सार्थक बनाएं। जीवन जो आदमी जीता है और एक लक्ष्य के साथ जीता है तो उसका निर्माण होता है। निर्माण जीवन की सफलता का पहला पद चिन्ह या आधार स्तंभ है। सिर्फ एक बात पर ही ध्यान केंद्रित करें कि लक्ष्य का निर्धारण किया या नहीं किया। जो व्यक्ति लक्ष्य का निर्धारण करता है उसकी सारी ऊर्जा उस लक्ष्य की ओर प्रस्थान कर देती है। जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता ऊर्जा बिखर जाती है। लक्ष्य ठीक होता है तो आदमी की दिशा सही बन जाती है, गंतव्य सही होता है। अगर कोई लक्ष्य ही नहीं होता तो फिर कहाँ? शराबी था और टैक्सी वाला को पकड़ा के मुझे ले चलो, बैठ गया। अब टैक्सी वाला बोला कहाँ जाना है, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारी टैक्सी में क्यों बैठता। अब बोला कहाँ ले जाएगा, जब लक्ष्य ही नहीं है, कोई स्पष्ट नहीं है तो कोई ले जा नहीं सकता। जीवन की सफलता का पहला सूत्र है लक्ष्य का निर्धारण। हम लक्ष्य को निश्चित करें कि मुझे क्या बनना है, मैं क्या होना चाहती हूँ या चाहता हूँ, यह लक्ष्य का निर्धारण करें। जब लक्ष्य स्थिर हो गया तो फिर आगे कार्य बनता है, गंतव्य की धारणा बनती है, आदमी चलता है और एक दिन अवश्य वहां तक पहुंच जाता है। लक्ष्य की स्पष्टता बहुत साधारण सी बात है, बहुत बार मैं कहता हूं, कोई मर्म की बात नहीं, किंतु लक्ष्य को पर प्रकाश डालने वाली बात है कि जिसको पता ही नहीं कि मुझे क्या बनना है और जब दूसरों की बातों में रहता है, विज्ञापनों की दुनिया में रहता है और कुछ रहता है, हजारों बातें सुनता है, हमारी शब्दों की दुनिया और जहाँ शब्दों की परिक्रमा होती रहती है वह आदमी रहता है, और जब अपना पक्का कोई लक्ष्य नहीं होता तो ठीक वही हालत होती है कि कहीं पहुँच नहीं पाता। स्टेशन मास्टर के पास गया और जाके बोला बाबूजी टिकट दो। किस गाँव का? गांव का मुझे पता नहीं, मेरे ससुराल का टिकट दे दो। उसने कहा गांव का नाम बताओ। कि गांव का नाम का तो मुझे पता नहीं है। जिसको यह लक्ष्य का ही पता नहीं कि गंतव्य क्या है, मुझे कहां जाना है, मुझे क्या होना है, क्या बनना है, कुछ भी नहीं हो सकता। एक बहुत सुंदर शब्द है आगम साहित्य का, हो काम भवितु काम है। मैं कुछ होना चाहता हूं, होना चाहता हूं
बस ये पहले निश्चित होना चाहिए कि क्या होना चाहता हूँ, स्वयं लक्ष्य का निर्धारण करें अथवा दूसरों से परामर्श ले कि मुझे क्या बनना है। सबसे अच्छा तो है स्वयं निर्धारण करें कि मुझे क्या होना है। हम लोग बहुत बार विद्यार्थियों से पूछते हैं, बोलो तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो अनेक उत्तर मिलते हैं। कोई कहता है मैं डॉक्टर होना चाहता हूँ, कोई बोला मैं पुलिस मैन होना चाहता हूँ, कोई बोला मैं सेना में जाना चाहता हूँ, अनेक आए। तब मैंने कहा कि ये तो तुम्हारे ठीक है, पर पहले मूल लक्ष्य को भूल गए। मूल लक्ष्य है मैं अच्छा आदमी होना चाहता हूँ, और अच्छा आदमी बनोगे नंबर दो, ये सारी सेकेंडरी बात है कि फिर डॉक्टर बनोगे और बनोगे तो अच्छे बनोगे। और अगर पहली बात करोगे, प्रारंभ की बात नहीं करोगे, तो फिर कुछ नहीं होना है। तो पहली बात है कि मुझे अच्छा आदमी बनना है, अच्छी स्त्री बनना है। कन्या कोई शाश्वत नहीं रहती, एक अवस्था आती है कन्या युवती बन जाती है, पर्यायांतर हो जाता है, और आगे तो बूढ़ी भी बन जाती है, सब कुछ होता है। किंतु इन बदलती हुई परिस्थितियों के साथ हम एक न बदलने वाली वस्तु को पकड़ लें कि जो कभी न बदले, और वह है हमारे जीवन का लक्ष्य जो कभी बदलता नहीं है। एक केंद्रीय लक्ष्य, एक न्यूक्लियस होता है, केंद्रीय तत्व होता है, वह बदलता नहीं है। तो हमारा एक ऐसा ध्रुव लक्ष्य बनाएं कि मुझे यह बनना है। और मैं मानता हूं जिसने यह लक्ष्य एक बना ली कि अप्पा खलु सायंग रखी अब्बो, मुझे अपने अस्तित्व की सुरक्षा करनी है। हजारों प्रलोभन, हजारों परिस्थितियां, हजारों बाधाएं, और कितने कुछ आते हैं, किंतु जिसका यह लक्ष्य बन गया कि मुझे आत्मवान बनना है, आत्मवान, मुझे अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है, शायद उसे कोई विचलित नहीं कर सकता, और न कोई विज्ञापन बाधा डाल सकता, न कोई परिस्थिति बाधा डाल सकती, और न कोई दृश्य और कुछ डाल सकते। जिसका कोई अपना नहीं होता, उसकी कोई पहचान भी नहीं होती। बात चली रंग और रूप की, आदमी की पहचान होती है रंग से भी होती है, रूप से भी होती है, और कपड़ों से भी होती है, कपड़ों से होती है। किंतु वह पहचान या रंग की पहचान टिकती नहीं है। अनुभव करो कि 10 वर्ष टिक जाएगा, जैसी अवस्था ढली रंग बदल जाएगा। अगर स्थायी तत्व है तो वह कभी नहीं बदलेगा, आनंदमय रहेगा। और जो ये रंग रूप के आधार पर करते हैं, उनमें तो अंत में वह शब्द कि अंत में सुखमय जीवन नहीं रहता, दुखी जीवन बन जाता है। बाहरी पहचान आखिर बाहरी पहचान है। आजकल तो वेशभूषा भी कुछ बदल गई, हमें भी पूछना पड़ता है कि ये लड़की है या लड़का है, कई बार पूछना बहुत बार काम पड़ता है। ऐसी कोई गोष्ठी थी, और गोष्ठी में कुछ कन्याएं और सामने आई, तो दो व्यक्ति पास में बैठे थे, तो उसने कहा कि लड़का बहुत अच्छा लग रहा है। तब पास में बैठी महिला बोली कि नहीं, यह लड़का नहीं, लड़की है। तो आपको क्या पता, वह भी पुरुष वेश में थी, कि मैं उस, आपको क्या पता स्त्री वेश में, बोली कि मैं उसकी माँ हूं। अब बेचारा पहचाने कैसे, हमारी पहचान तो बाहर के आधार पर हो रही है, हमारी अभी कठिनाई है, हमारी सारी पहचान है बाहर के आधार पर। और समाज में अगर भीतर के आधार पर पहचान बन जाए तो शायद केंद्रीय तत्व हमारा सुरक्षित रह सकता है। किंतु इस पहचान ने कोई बहुत लाभ नहीं हुआ, यह तो एक तात्कालिक बात होती है। हमारी स्थायी पहचान अपनी गुणवत्ता के आधार पर बने। जिस व्यक्ति में विशेषता होती है, चाहे शादी की समस्या आए कोई बात नहीं, किंतु वह बिना शादी किए ही अपने जीवन का ऐसा निर्माण कर सकती है कि शादी करने वाले उसके पीछे पीछे घूमते रहे। मूल है योग्यता का विकास, गुणवत्ता का विकास। इसलिए इन बाहरी पहचानों को, यद्यपि समाज में चलता है, कठिनाई है,
समस्या है, फिर भी जिस व्यक्ति ने अपना ठीक अच्छा लक्ष्य बना लिया, इन बाहरी बातों में उलझने की जरूरत नहीं, बस लक्ष्य और जीवन का निर्माण, ये दो सूत्र सामने रहे तो शायद बहुत आनंदमय जीवन हो सकता है। और मैं तो मानता हूँ उस व्यक्ति का जीवन सफल है जो आनंद का जीवन जीता है, दुखी होने का जीवन जीता है, दुखमय जीवन जीता है, चाहे कितना ही तो रंग है रूप है, रंग रूप की बात चली तो मेरे मन में आया, मैं एक ऐसी घर की घटना को जानता हूँ कि बहुत रंग रूप देख कर शादी कर ली और एक दिन उसका ससुर आया और बड़ा दुखी, मैंने कहा आज कैसे, बोला क्या करें, पुत्र वधु ऐसी है कि जब भी गुस्सा आता है तो बाजार में जाकर बैठ जाती है, उसको मना कर लाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, कुछ काम नहीं आता। एक बात को निश्चित मान ले ध्रुव सत्य कि अपनी योग्यता का विकास करो, जीवन अच्छा रहेगा, हृदय नहीं है तो बदलता चला जाएगा, आज जो अच्छा लगता है रंग रूप बदला और उसका आदर भी कम हो जाएगा, इसको कभी सत्य मत मानो, सच्चाई मानकर इस पर अटको मत। जो दक्षिण भारत से ये लोग आए हैं नाहर और ललित जैन और कुछ साथ में लाए हैं धर्म चक्रवर्ती, मुझे तो कोई बात छूटी नहीं है, बड़ी कठिनाई है, कारण कि जब अहंकार हो तब तो कोई बात छूटी है, एक बहुत बड़ा काम हो गया, और अहंकार विलय तो जीवन का प्रारंभ से व्रत रहा, बचपन से कभी अहंकार आया नहीं, याद ही नहीं कभी अहंकार आया हो किसी बात पर, बहुत सारी विशेष बातें सामने आई पर अहंकार कभी छुआ नहीं, तो इसलिए मेरे लिए कोई खास बात मुझे लगती नहीं। किसी ने पूछा, पत्रकार ने पूछा क्या हुआ, क्योंकि जिस दिन छुएगा तब बताऊंगा क्या हुआ, अभी तो वह स्पर्श नहीं कर रहा है। अहंकार होता है तो एक छोटा भी पता नहीं कैसी बात कर देता है, कच्चा पुल था, हाथी और चूहा दोनों जा रहे थे, दोनों में दोस्ती हो गई, पुल कच्चा था, हाथी गया, पुल टूटी और चूहा भी नदी में गिरा, हाथी भी गिरा, तब चूहा तैरता हुआ बोला देखो मैंने पहले भी कहा था कि पुल कच्चा, हम दोनों का भार सहन नहीं कर सकेगा। ये अहंकार एक अलग प्रकार की अनुभूति कराता है, किंतु मैं उसकी भाषा को भी नहीं जानता, उसके स्वरूप को भी नहीं जानता, तो इसलिए मेरे लिए कोई खास बात नहीं है। किंतु एक बात मैं जरूर मानता हूं, अहिंसा की उपयोगिता, और यह मानता हूं कि जो आचार्य तुलसी का एक स्वप्न था और उन्होंने जिस क्षेत्र में काम किया, एक सार्वभौम सार्वदेशिक कार्य किया कि न जात पात न कोई संप्रदाय, सबसे ऊपर उठकर और 50 वर्ष तक की साधना आचार्य वर्ग के इस क्षेत्र में रही और मैं भी साथ रहा, तो उसका एक परिणाम मानता हूं कि अहिंसा यात्रा के साथ, उससे पहले भी और विशेषतः अहिंसा यात्रा के दौरान हिंदुस्तान के धर्म गुरुओं के प्रति मेरे मन में और मेरे प्रति उनके मन में जो एक विशेष श्रद्धा सद्भावना जागृत हुई है, उसका परिणाम मैं जरूर मानता हूँ। सुधा मही जी का एक पत्र आया, उसमें उन्होंने लिखा कि मैं दक्षिण भारत में बहुत धर्म गुरुओं से मिली और जिनसे मिलती हूँ वे आपके प्रति बहुत ही एक महत्वपूर्ण उद्गार प्रकट करते हैं, इससे मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। ये मानता हूं उनकी उदारता। बाल गंगाधर स्वामी जो कर्नाटक के प्रमुख एक मठाधीश है, चुनचुन आदिगिरी के मठाधीश, और बहुत बड़े उनके हाथ में कर्तृत्व के वाले काम है, इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े महाविद्यालय कॉलेज, दो कॉलेज सिर्फ सुधामयी जी ने देख, उन्होंने लिखा कि मैं देखकर आश्चर्य में रह गई और हमें भी ऐसा काम करना चाहिए, बहुत बड़े वहाँ के हैं। प्रथम बार आए और ये नाहर मूलचंद
जो छोटा सा लगता है, फिर कभी छोटा आदमी बहुत छोटा भी होता है, छोटा है पर इतना धुनी है। और ये ललित जैन साथ में है, सारे ये लोग ये लाए। अब आने के बाद पता नहीं क्या हुआ, तो हमारा प्रथम मिलन था तो ऐसा हो गया कि जैसे कोई सदा से हमारे साथ ही रही। उन्होंने जाकर जो जो कहा वह कहते हुए, मुझे संकोच होता है, मैं कहूंगा भी नहीं वैसा रहा, किंतु इतना आत्मीय भाव बन गया। और जब सबको लगा कि इनका इतना है तो दूसरे धर्मगुरु जो ये शिवरात्रि जी मैसूर के उतने ही बड़े मठाधीश है, वे सब लोग आए और सब लोगों का मिलन हुआ। तो ये अहिंसा की बात विशेषता मानूं, अहिंसा यात्रा का जो कार्यक्रम है उसका मानूं कि सबका मन एक हमारे प्रति समर्पित जैसा हो गया, हम एक मेघ जैसे हो गए। और मैं मानता हूं कार्यक्रम जो है वह आज की समस्या को सुलझाने वाला कार्यक्रम है। और इस पर चर्चा कर रहे थे कि वर्तमान की जो समस्या है, जब तक उसका निवारण नहीं होगा तो यह हिंसा की बाढ़ को कभी रोका नहीं जा सकेगा। और समस्या है कि आदमी भूखा है, रोटी का अभाव है, जब तक उस समस्या का समाधान नहीं, और हम अहिंसा के गुणगान करें, बखान करें, अहिंसा का महत्व बतलाएं, छोटा मोटा कोई काम कर लें और मन को राजी कर लें, संतोष मान लें, कोई बहुत बड़ी बात मुझे तो नहीं लगती है। जब मूल समस्या को नहीं पकड़ेंगे, भगवान महावीर की दृष्टि थी कि समस्या के मूल को पकड़ो। कुछ धर्माचार्य थे ऊपर की बात कहते थे, तो महावीर का सूत्र रहा अग्गम च मूलम च छिंदे, अग्र को भी पकड़ो और मूल को भी पकड़ो। जब तक मूल जड़ को नहीं पकड़ोगे तब तक तो यह सब को होता रहेगा। हमें जड़ तक पहुंचना है। जड़ कैसी है, राजस्थान की बात है कि कोई बाहर से सन्यासी आया था, जा रहा था अकेला, और खेत में देखा तुम्बाई बहुत बढ़िया बढ़िया बेलें फैली हुई है। उसने देखा रे बड़ा अच्छा फल दिख रहा है, दिखने में रंग रूप अच्छा होता है। अब रंग रूप को देख कर खा ले तो थोड़ा खाया तो कड़वा, तो फिर भीतर का गुदा खाया तो भी कड़वा, हर चीज को खाया तो कड़वा। तो उसने सोचा रे जड़ देख लूं कैसी है, जड़ खाई तो वह भी कड़वी। क्या अब बात समझ में आ गई, जिसकी जड़ ही कड़वी है तो वाला पत्ता और ऊपर का गुदा तो मीठा कैसी होगा। हम जड़ को मीठा बनाएं तो ऊपर का मीठा हो सकता है, उसके बिना हो नहीं सकता। तो जड़ तक पहुंचने की बात करें, मैं मानता हूं अपरिग्रह की बात करने वाले और अहिंसा की बात करने वाले उन्हें बहुत गंभीरता से सोचना है और इस बात पर ध्यान देना है कि अपरिग्रह और अहिंसा दोनों का विकास साथ हो सकता है। परिग्रह के तो खूब करें, शोषण करें, अन्याय करें, मिलावट करें, अनैतिकता करें, और अहिंसा की बात भी करें, और अहिंसा परमो धर्म का जब प्रसंग आए तो नारा भी आकाश में गुंजाए। मुझे तो ये सारा झूठा लगता है, झूठा व्यवहार लगता है, इससे कोई बहुत लाभ होने वाला नहीं है। तो इन सब अवधारणाओं ने और अहिंसा के मूल को पकड़ने की हमारी बात ने और हमारे पारस्परिक संपर्क ने आज एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया है कि उनकी हमारे प्रति बहुत सद्भावना पैदा हो गई। और मैं तो ये मानता हूँ कि स्वामी जी का और शिवरात्रि स्वामी जी का उनकी वह सद्भावना का ही परिणाम है। अब कुछ भी कहे मेरे लिए तो कोई बात नहीं, पर उनकी सद्भावना कितनी है उसका हमें मूल्यांकन जरूर करना है कि उनकी उदारता और सद्भावना का। अब दो बात, निर्माण और उपयोगिता। निर्माण करें और जीवन को उपयोगी बनाए रखें, अनुपयोगी न होने दें। जब तक उपयोगिता होती है सब लोग निकट आते हैं, उपयोगिता नहीं होती सब दूर चले जाते हैं। हर आदमी को सोचना है कि मेरी कोई न कोई उपयोगिता बनी रहे। अब ये कैसे, निर्माण और उपयोगिता के बीच में एक चीज और आती है, वह है
जीवन को समझने की कला, ज्ञान, जीवन को हम जीवन को समझने का भी प्रयत्न करें और उपयोगिता का जीवन जिए कि जीवन नश्वर है, चला जाता है, उपयोगिता रह जाती है। रांका का प्रश्न आया, मोतीलाल रांका, और जिस व्यक्ति के बारे में कहना भी मुझे बड़ा अटपटा सा लगता है, क्या कहूँ, क्योंकि बचपन से ही मेरे निकट बैठने वाले 10-20-50 दो प्रबुद्ध लोग थे, उनमें उनका भी एक प्रगाढ़ अनुराग मेरे प्रति था शुरू से ही। बौद्धिक आदमी था और उतना ही विवेकशील और विनम्र व्यक्ति था। बौद्धिकता बड़ी खतरनाक भी होती है, अहंकार बहुत जल्दी पनपता है, पर उस व्यक्ति में देखा कि इतनी विनम्रता और विनम्रता इतनी कि आचार्य वर्ग का, आचार्य तुलसी का और मेरा अगर इशारा भी हो जाता तो उनके लिए वह लोह की लकीर जैसा होता, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना अनुशासन प्रियता एक बात जरूर थी कि समय की पाबंदी तो नहीं थी, इतना इसमें ढिलाई थी। मुझे याद है मैं बगड़ी में था, सुधरी में वहाँ, और जब दफ्तरी जैसनलाल दफ्तरी मोतीलाल रंका दोनों मिल जाते तो ढिलाई को चतुर आयामी डायमेंशन बढ़ जाता, उसका और आयाम उसका फैल जाता। तो मेरे सामने की बात है कि आदमी आकर बोला कि गाड़ी आपकी आने वाली है, जल्दी चले। रंका जी बोले अभी क्या जल्दी है, ठहरो ठहरो बात कर रहे हैं, अभी क्या जल्दी है। थोड़ी देर सूचना मिली कि गाड़ी आई और चली गई। एक दिन बीता, दो दिन बीता, तीन दिन ऐसे बीत गए। आखिर मुझे कहना पड़ा कि ये समय का चक्र तो चलता है, समय प्रबंधन की बात भी है। आज तो टाइम मैनेजमेंट का युग है, समय प्रबंधन होता है, और तुम इतनी शिथिलता करते हो, कोई बात नहीं, शांति का जीवन जीना, आए तो आए, चली जाए चली जाए, गाड़ी की इच्छा हम क्या करें उसका। परंतु अनेक क्षेत्रों में जो उन्होंने काम किया, यानी ये कहूँ कि भिक्षु दर्शन के व्याख्याता प्रवक्ता कुछ व्यक्ति थे, तो उनमें प्रथम पंक्ति में दो चार नाम थे, उनमें था मोती रांका। तो उसका बड़ा मर्म से समझा था, वो खूब गहराई से तत्व को समझा, और उतना ही साहित्य का प्रेम और कार्य किया, अणुव्रत के प्रति समर्पण रहा, अणु विभाग को प्राणवान बनाने में उनका योग बराबर बना रहा, जैसा मोहन जी ने कहा, सोहन जी गांधी ने कहा, सब ने कहा, तो एक प्रकार से कार्यकर्ता का संरक्षक जैसा था। तो एक दुर्लभ व्यक्ति था, उतना ही गुरुदेव का अनुग्रह उन्हें प्राप्त होता रहा, आचार्य तुलसी का अनुग्रह पूरा प्राप्त था उनको। तो ऐसा व्यक्ति अब सही होता है, यह तो काल का समय का चक्र होता है, चला गया और अच्छी स्थिति में गया, अच्छा परिवार, विनय परिवार, मित्रों का भी बड़ा एक संकुल है उनका, इतने मित्र हैं, बहुत जगह जगह मित्र हैं, और बड़ा काम किया। और जब बंगलोर में चतुर्मास हुआ और सीता शरण शर्मा को निकट लाने में उनका योग था, और वही सीता शरण शर्मा इतना निकट हुआ कि एक दिन अणुव्रत का इतना बड़ा कार्यकर्ता बन गया, अणुव्रत समिति का केंद्रीय अणुव्रत समिति के अध्यक्ष बने और बड़ा काम किया। तो यह जब मैं पूरा सारी स्थिति, पुरानी स्थिति देखता हूँ, धनजी सेठिया, मोती रांका, सिरेमल जी डोसी, धनजी धाड़ीवाल और अमोलचंद जी मेहत आदि आदि जो एक पूरी एक टीम थी कार्यकर्ताओं की, तो बड़ा काम किया था। तो ऐसे व्यक्ति का जाना समाज को अखरता तो है, परिवार को भी अखरता है, ज़्यादा अखरता है, किंतु हम सच्चाई को समझें और जीवन की नश्वरता को भी समझें, प्रकृति के नियम को भी समझें। इसलिए जाने के बाद भी उनको न जाने दें,
उनकी विशेषताओं को सुरक्षित रखें, ऐसा प्रयत्न धर्म संघ को भी करना है, परिवार को भी करना है, सबको भी करना है। तो आज मेरे सामने तीन काम थे, एक निर्माण का काम, जो कन्याओं के जीवन का निर्माण होना चाहिए, और दूसरा उपयोगिता का, और तीसरा जीवन के संबोध का। हम तीनों कोणों से, जीवन समग्र है, जुड़ा हुआ है, हम बांट नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते, तो इस जीवन की समग्रता को देखकर और हम ऐसे जीवन के प्रति समग्र दृष्टिकोण का निर्माण करें जिससे खंड खंड का जीवन न जिए, एक अखंड समग्र जीवन जी सकें, तो उसके द्वारा हम अपना भी भला कर सकते हैं और समाज का भी भला कर सकते हैं। ओम आदि ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः।